दोस्तों, जेल में बंद रिया चक्रवर्ती ने 25 बॉलीवुड हस्तियों के नाम नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने उगल दिए हैं। रिया ने इन लोगों में सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान का नाम भी लिया है। रिया ने कबूल किया है कि सारा उनके साथ ड्रग्स का सेवन किया करती थी। रिया ने अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह और डिजाइनर सिमोन का नाम भी उगला है। ताजा खबर है कि एनसीबी ने केस को लेकर डोजियर तैयार कर लिया है और अब किसी भी दिन मुंबई में एक बड़ा अभियान शुरू किया जा सकता है। एनसीबी के पास ऐसे 25 बॉलीवुड के लोगों के नाम हैं जो नियमित रूप से ड्रग्स का सेवन किया करते थे। आरोप है कि जब सारा अली खान सुशांत के साथ रिलेशनशिप में थी, उस समय वो दोनों चार्टर्ड विमान से बैंकॉक गए। उस समय की एक व्हाट्सएप चैट का पता चला जिसमें सिमोन भी शामिल थी। एक रिपोर्ट के अनुसार देर रात इन नामों का खुलासा किया गया। उसके बाद से बॉलीवुड में हड़कंप मचा हुआ है। मुंबई में काम कर रही तीनों केंद्रीय एजेंसियों के कार्यों के परिणाम अब जमीन पर दिखाई देने लगे हैं। एनसीबी ने इस प्रकरण को लेकर डोजियर तैयार कर लिया है। खबर आ रही है कि एनसीबी सारा अली खान, सिमोन और रकुल प्रीत सिंह को पूछताछ के लिए सम्मन भेजने जा रही है। सारा अली खान ने फिल्म केदारनाथ में सुशांत सिंह राजपूत के साथ डेब्यू किया। वो सैफ अली खान की पहली पत्नी अमृता सिंह की बेटी हैं। सारा अली खान फिल्म जगत में बड़ी संभावनाओं वाली अभिनेत्री मानी जा रही थी। सुशांत केस में उनके किसी बयान के न आने पर भी आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा था, क्योंकि वो सुशांत के साथ गहरे रिलेशनशिप में थी। रकुल प्रीत सिंह भी उभरती हुई अभिनेत्री हैं, जिनका बॉलीवुड में कुछ साल पहले ही एंट्री हुआ था और उन्हें रिया चक्रवर्ती के साथ ज्यादातर देखा जाता था। अब ऐसे में सारा अली खान को लोग कई ब्रांड से हटाने की मांग कर रहे हैं। वहीं सिमोन एक फैशन डिजाइनर है। हैरानी की बात है कि ड्रग केस में फंसने वाली सिमोन एक यूट्यूब चैनल चलाती हैं। इस चैनल में महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर टिप्स दी जाती है। रिया ने एनसीबी को 20 पेज का कबूलनामा दिया है। इस कबूलनामे के आधार पर ही एनसीबी ने 25 लोगों से पूछताछ की कैटेगरी तैयार की है। तो दोस्तों, आप इन तीन अभिनेत्रियों के नाम एक्सपोज होने पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।